हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या अगर आपको डी फार्मा से रिलेटेड कोई से भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू की तैयारी करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को जरूर सब्सक्राइब कर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए सोल्यूशन दैट मेंटेन्स द पीएच विच एसिड्स और बेस आर एडिड इन इट नोन एज। तो इसको ऑप्शन ए है न्यूट्रल सोल्यूशन, ऑप्शन बी एसिडिक सोल्यूशन, ऑप्शन सी बफर एंड ऑप्शन डी बेसिक सोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बफर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिड, यानी इनमें से कौन एसिड नहीं है। तो इसको ऑप्शन ए है एच सी एल, ऑप्शन बी एच एन ओ थ्री, ऑप्शन सी एच टू एस ओ फोर एंड ऑप्शन डी के ओ एच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी के ओ एच, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की, बफर आर द मिक्सचर ऑफ। तो इसका ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन बी वीक बेस एंड वीक एसिड्स, ऑप्शन सी वीक एसिड एंड सॉल्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वीक एसिड एंड सॉल्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। तो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एस। तो इसका ऑप्शन ए है बेस, ऑप्शन बी एसिड एंड ऑप्शन सी बफर और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एसिड। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट एंड एसिड इज सब्सटेंस विच, यानी आर्हेनियस कंसेप्ट के अनुसार एसिड कौन होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है गिब्स एच प्लस आयन, जो एच प्लस आयन देते हैं, ऑप्शन बी गिब्स ओ एच माइनस आयन, जो ओ एच माइनस आयन देते हैं, या सी रेड लिटमस ब्लू, जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गिब्स एच प्लस आयन, यानी कि जो एच प्लस आयन देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स की। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स विच हैव हाई पॉजिटिव एंड स्मॉल साइज आर। तो इसका ऑप्शन है हार्ड बेसिस, ऑप्शन बी हार्ड एसिड्स, ऑप्शन सी सॉफ्ट बेसिस एंड ऑप्शन डी सॉफ्ट एसिड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हार्ड एसिड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की, ए स्ट्रॉन्ग एसिड हैज लार्ज। तो इसका ऑप्शन ए है के ए, ऑप्शन बी के बी, ऑप्शन सी पी के ए एंड ऑप्शन डी पी के बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए के ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की, द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच इज, यानी कि ह्यूमन के नॉर्मल ब्लड का पीएच कितना होता है। तो इसको ऑप्शन ए है 5.5 to 6.5 एंड ऑप्शन बी 8.8 to 9.6, ऑप्शन सी 7.3 to 7.45 एंड ऑप्शन डी 2.35 to 3.78। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7.35 to 7.45 तक। अब है क्वेश्चन नंबर नाइन, रूल ऑफ बफर्स इन फार्मेसी रिलीज टू। तो इसका ऑप्शन ए है स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी सोल्यूबिलिटी, ऑप्शन सी कलर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर, यानी कि प्योर वाटर की कंसंट्रेशन कितनी होती है। इसका ऑप्शन ए है 55.51 एम, ऑप्शन बी 25.51 एम, ऑप्शन सी 55 एम एंड ऑप्शन डी 25 एम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 55.51 एम। अब है क्वेश्चन नंबर 11, द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एसिड्स दैट बिल्ड अप इन द ब्लड लीड्स टू। तो इसका ऑप्शन है एसिडोसिस, ऑप्शन बी एल्किलोसिस एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एसिडोसिस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एल्किलेटिंग एजेंट आर, यानी कि एल्किलेटिंग एजेंट कौन से होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है क्लोराम्बुसिल, ऑप्शन बी बिसुलफेन एंड ऑप्शन सी साइक्लोफोसामाइड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स आर, यानी कि एंटी ट्यूमर और एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए है एक्शनमाइसिन, ऑप्शन बी डोनर यूबिसिन, ऑप्शन सी माइटोमाइसिन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ड्रग विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड। इसका ऑप्शन ए है सीएनएस स्टिमुलेंट्स, ऑप्शन बी एनालेप्टिक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा लंग डिसीज, यानी कि कौन सी डिसीज़ अस्थमा
के ट्रीटमेंट में और लंग्स के डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाती है। तो इसका ऑप्शन ए है थियोफाइलिन, ऑप्शन बी एमिनोफाइलिन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि थियोफाइलिन एंड एमिनोफाइलिन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ड्रग विच डिप्रीज CNS एंड प्रोड्यूस स्लीप आर। इसका ऑप्शन ए है हिप्नोटिक्स, ऑप्शन बी सेडेटिव्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिप्नोटिक्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, नारकोटिक्स और ट्रू एनालॉजिक्स आर, यानी कि नारकोटिक्स और एनालॉजिक्स होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए है मॉर्फिन, ऑप्शन बी फिथाइडीन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि मॉर्फिन और फिथाइडीन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, एथिल फाइव फिनाइल बारबिटूरिक एसिड इज, यानी कि एथिल फाइव फिनाइल बारबिटूरिक एसिड इसका केमिकल नेम क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है फिनोबारबिटोन, ऑप्शन बी डाइफिन हाइड्रामाइन, ऑप्शन सी मैप्रोबेमेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फिनोबारबिटोन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, बेंजोडाइजिपिन डेरिवेटिव आर। इसका ऑप्शन ए है डाइजिपैम, ऑप्शन बी क्लोनाजिपैम, ऑप्शन सी नाइट्राजिपैम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, मैथिल पैराबीन इज, यानी मैथिल पैराबीन है। तो इसका ऑप्शन ए है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन बी डाइजिनफेक्टेंट, ऑप्शन सी जर्मिसाइड एंड ऑप्शन डी प्रेजर्वेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रेजर्वेशन। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये डीफार्मा फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट के कुछ एमसीक्यू? अगर फ्रेंड्स आपको ये एमसीक्यू अच्छे लगे हों तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आगे आने वाली वीडियो में डीफार्मा फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू इस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं। अगर आपको भी ऑनलाइन एग्जाम में अच्छी तरह से तैयारी करनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल एडीएल फार्मेसी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।